ओम अज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब अंत में ब्रह्मा जी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि अहंकार में आकर के वो भगवान को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान की शक्तियों को देख करके उनको अकल आ गई। इसको कहते हैं ब्रह्मा विमोहना लीला। जो ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता बताए जाते हैं, इस ब्रह्मांड के, वो भगवान की ही शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी, उन्होंने जो है अहंकार के द्वारा भगवान की शक्तियों का वो टेस्ट करना चाहते थे, और अब उनकी समझ में आ गया है कि भगवान कौन है और उनकी पोजीशन क्या है। तो क्षमा याचना करते हैं भगवान से, और अब भगवान से उनकी कृपा, उनकी अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से कुछ आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि अगर मुझे भविष्य में कुछ जन्म लेना पड़े इस संसार के अंदर में, तो मेरे ऊपर ऐसी अनुग्रह करो कि मैं भी आपके भक्त के रूप में जन्म लूं, आपके भक्त के रूप में मैं जन्म लूं। और अगर मैं आपके भक्त के रूप में जन्म लेता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे मानव का ही शरीर चाहिए, या मुझे देवता के शरीर, वो शरीर प्रदान करो, उसमें मैं आपकी भक्ति करूंगा। भगवान, आप मुझे कोई भी शरीर प्रदान करो, लेकिन आपके भक्त के रूप में, क्योंकि मैंने आपकी लीलाओं में देखा है कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये बछड़े हैं, जिनको मानव का रूप भी नहीं है, जिनको देवताओं का रूप भी नहीं है, लेकिन हमेशा आपके साथ में रहते हैं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये गैया हैं, जिनका दूध आपने एक साल तक पिया उनके बछड़े बन करके। उतना ही नहीं, माता यशोदा इन गैयों का दूध बना करके आपको माखन प्रदान करती है। तो भगवान, मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे मानव का शरीर चाहिए, मुझे देवता का शरीर चाहिए भक्त के रूप में। कोई सा भी शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन आपकी भक्ति सेवा में मैं लगा रहा हूं, जैसे ये बछड़े लगे हुए हैं, ये गौ माता लगी हुई है। तो ये जो है वो प्रार्थना करते हैं। आगे वो भगवान से और आशीर्वाद चाहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, हम देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली तो ये व्रजवासी हैं। ऐसा क्यों है? देवताओं का पद तो बताया जाता है कि स्वर्ग लोकों में है, देवतागण तो मनुष्य से भी ऊपर है, मनुष्य भी चाहते हैं कि हमें भी देवता की पोजीशन प्राप्त हो जाए। हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं,
जिसके द्वारा हम अगले जीवन में स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं से भी ज़्यादा भाग्यशाली ये व्रजवासी हैं। ऐसा क्यों है? तो उसका कारण वो बता करके कहते हैं। वो कहते हैं कि हम देवतागण या फिर मनुष्य समाज में भी अगर हम देखें तो लोग अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं आपको संतुष्ट करने के लिए। उन यज्ञों में अनेकों प्रकार के पदार्थ चढ़ाए जाते हैं आपको अर्पण करने के लिए, लेकिन आप फिर भी उनसे इतने संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि आप अपनी माता का बनाया हुआ भोजन या दूसरी जो गोपियां हैं उनका बनाया हुआ भोजन, उनका दिया हुआ माखन, उनकी दी हुई दही आप जो है ग्रहण करते हैं, बड़े प्रेम के साथ में खाते हैं। उतना ही नहीं, यहां तक कि जो वृंदावन की जो गैया हैं, जो गाय हैं, वो भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम तो यज्ञों में अनेकों प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं लेकिन फिर भी आप उससे इतने संतुष्ट नहीं हैं जितना आप प्रेम के द्वारा। ये जो भक्त हैं किसी भी जीवन में क्यों ना हो, अगर आपको कुछ प्रदान करते हैं आप उनको साक्षात स्वीकार करते हैं। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा, तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान वो बहुत भाग्यशाली है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान मेरी यही एक छोटी प्रार्थना है कि अगर आप मुझे कुछ जीवन, अगला जीवन देना चाहते हैं, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, भौतिक संसार में लोग मुक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, पहले संसार को भोगते हैं और जब संसार से तंग आ जाते हैं तब सोचते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, संसार से मैं मुक्त हो जाऊं, सारे कष्टों का निवारण हो जाए। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। मुक्ति में क्या है? मुक्ति तो भक्तों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? अब देखिए ब्रह्मा जी क्या पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैंने देखा है कि कितने भाग्यशाली हैं ये व्रजवासी, कृपा करके मुझे एक धूल बना दो व्रज की, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे एक तिनका बना दो व्रज धाम में, मुझे घास तो बना दो वृंदावन में, ताकि इन सारे भक्तों के पद की धूली मेरे ऊपर हमेशा रहेगी। ये इतने महान हैं, इनके सौभाग्य को कोई नहीं समझ सकता है। मैं सोच रहा था कि आप इनके साथ में खेल रहे हैं और ये तो आम बालक हैं, ये आम स्त्रियां हैं, लेकिन ये तो इतने भाग्यशाली हैं कि 24 घंटे आप इनके संग में रहते हैं। तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि कृपा करके मुझे व्रज की कुछ धूली बना दीजिए, व्रज में कुछ घास बना दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं तो मेरे ऊपर कम से कम इतनी तो कृपा कीजिए भगवान कि मुझे वृंदावन के बाहर, थोड़े से बाहर, वहां पे तो कुछ बना दीजिए, ताकि जब कुछ भक्त लोग वृंदावन से बाहर जाते हैं, मथुरा में जाएंगे या दूसरे कार्य के लिए बाहर जाएंगे, कम से कम तब तो मुझे उनके पाद की धूली प्राप्त हो जाएगी। और वो कहते हैं कि भगवान मुझे ब्रह्मा के बड़े पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो देखिए, हम लोग सोचते हैं कि मैं कब इंद्र बन जाऊं, मैं कब चंद्र बन जाऊं, मुझे कब ब्रह्मा का स्थान प्राप्त हो जाए। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान मैं इस ब्रह्मा की पोस्ट को भी ठुकरा देना चाहता हूं, मुझे ये भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट में तो मैं अहंकारी बन गया था, आपको पहचान भी नहीं सका था।
तो कह रहे हैं इसकी जगह में मुझे आप व्रज धाम में कोई भी जीवन दे दीजिए, एक घास का भी जीवन दे दीजिए, वो भी मुझे स्वीकार है। और अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ तो व्रज धाम के बाहर तो दे दीजिए, कम से कम अगर कोई भक्त लोग वृंदावन से बाहर जाएंगे उनकी कृपा तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। आगे वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान इन व्रजवासियों के इनके भाग्य को कोई नहीं समझ सकता है, आप जो हैं इतने दयालु हैं कि अगर आपके पास में एक दुश्मन भी आता है लेकिन अगर कोई छोटी सी भी सेवा आपके लिए कर देता है तो आप जो है उस छोटी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि भगवान पूतना, उसका पूरा लक्ष्य क्या था? पूतना का लक्ष्य था आपको जहर पिला करके मारने का, लेकिन उसके अंदर में जो एक छोटा सा गुण था कि वो आपको अपने स्तन का पान कराई, उसने आपको जो है अपने स्तन का पान कराया, उस छोटे से गुण को आपने स्वीकार करके उसे मां का स्थान प्रदान कर दिया, इस भौतिक संसार से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारे दुष्ट असुर आपका वध करने के लिए आए, क्योंकि कुछ देर के लिए आप ये जो असुर आया था सर्प के रूप में, आप उसके शरीर के अंदर में कुछ देर के लिए थे, इसलिए आपने जो है क्योंकि उसने अपने शरीर में आपको कुछ समय के लिए आश्रय दिया, इतने गुण मात्र के कारण आपने अघासुर को जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर दी। तो आप तो अत्यंत कृपालु हैं, ये इतने सारे दुश्मन के रूप में आए थे, छोटा सा उनका जो सकारात्मक गुण था वो स्वीकार करके आपने उनके ऊपर इतनी बड़ी दया की, तो क्या भगवान ये जो व्रजवासी हैं जो प्रेम के द्वारा उन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है आपके लिए, जिनका केंद्र आप हैं, आपके सिवा उनका कोई जीवन ही नहीं है। अघासुर ने यही तो सोचा था कि अगर मैं कृष्ण को मार दूंगा, कृष्ण व्रज के जीवन है, अगर कृष्ण मर गया तो सारे व्रज के लोग भी मर जाएंगे। तो ये तो सही है, व्रजवासी जो हैं उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो कहते हैं कि क्या भगवान आप कभी उनका ऋण चुका पाएंगे? आप अत्यंत शक्तिशाली जरूर हैं लेकिन आप क्या इनका ऋण चुका पाएंगे? और ये ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोपियों को जब भगवान छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, भगवान ने गोपियों से कहा था, हे गोपियों, मैंने भगवद गीता में जरूर कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, जो मेरी जितनी सेवा करता है मैं उसको वापस जरूर लौटाता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो सेवा है वो इतनी महान है कि मेरे पास में भी कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारा ऋण वापस चुका सकूं। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हे गोपियों, तुम अपनी सेवा के द्वारा कृपा करके आप उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि मेरे पास भी आपको देने लायक कुछ वापस नहीं है, मैं आपकी सेवा का ऋण नहीं चुका सकता हूं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ब्रह्मा जी जो है ये प्रार्थना करके भगवान की 3 बार परिक्रमा करते हैं
दंडवत प्रणाम करते हैं और वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। इसके बाद में भगवान जो है अब वहाँ पर अपने जो उनके सखा थे वो वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि भगवान आप इतनी जल्दी वापस आ गए। देखो आपस में सखा लोग बात कर रहे हैं, कृष्ण जो है सोच रहे हैं कि हम सारा भोजन खा लेंगे। कृष्ण तुरंत गए और तुरंत वापस आ गए। चिंता मत करो, हमने भोजन समाप्त नहीं किया है, भोजन हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कृष्ण जो है इनको ज्ञान नहीं है कि ये सारे तो ब्रह्मा जी की योग माया में सो गए थे, और सारे बछड़े को ढूंढते ढूंढते कृष्ण जो है अपने आप का विस्तार करके एक साल भगवान ने बिता दिया था। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये सोच रहे हैं कि कृष्ण गए और वापस आ गए। ये भगवान की योग माया की शक्ति है। उनको इस प्रकार से प्रतीत हुआ कि कृष्ण जो है हमें छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके जाने वाले नहीं है। तो गाय वापस आ गई, अब बालक भी आ गए, अब बड़ी खुशी खुशी जो है ये वापस जा रहे हैं। और वहाँ पर देखते हैं सूखा हुआ कंकाल है अघासुर का, तो वहाँ से गुजरते हुए वापस ब्रजधाम जाते हैं और वहाँ पर जाकर के बता रहे हैं कि आज कृष्ण ने, एक साल हो गया, देखिए एक साल तक किसी ने बात भी नहीं की है, एक साल तक पूरे ब्रजवासियों को पता भी नहीं चला है कि उनके पुत्र और ये जो बछड़े थे वो सब कृष्ण स्वयं थे। तो अब उसकी जगह में ओरिजिनल वाले वापस आ गए हैं। तो अब ओरिजिनल वाले वापस आकर के अब सारा वृतांत सुना रहे हैं कि आज कृष्ण ने अघासुर का वध किया है। सुंदर उन्होंने कविता की रचना की, गीत की रचना की, भगवान ने अघासुर का वध कैसे किया, और वो बता रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अब समझ में आया परीक्षित, क्यों एक साल तक अघासुर की वध, अघासुर का जो वध हुआ था उसका वर्णन, उसकी बात किसी ने नहीं की थी। तो ये जो है कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।